नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा राज्य में जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, छात्र इसको लेकर परेशानी में दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी रिजल्ट की मांग को लेकर, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहता है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर दिखते हैं। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हमें देखने को मिलता है, चाहे पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार छात्रों की बात तो उठाई जाती है, लेकिन छात्र हित में फैसले कब लिए जाएंगे यह कहना मुश्किल होगा। अब इसी को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा लगातार छात्रों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर चाहे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हों या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनसे लगातार मिलकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और छात्र हित में फैसले के लिए गुजारिश की जा रही है। तो क्या सरकार या तो विपक्ष सदन में इसको लेकर कुछ मुद्दा उठाएगा कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम होगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानेंगे कि इन दिनों जो राज्य में छात्र परेशान चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब मुद्दों को लेकर। आप लोग आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात किए, क्या कुछ मुद्दा है, किसके लिए आप लोग मिले थे? सबसे पहले तो मैं बाइस्कोप के सभी टीम के और दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार लगातार हम लोग झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सबकी लड़ाई ईमानदारी पूर्वक करती है और उसकी रिजल्ट, उसका परिणाम एकदम धरातल पर ला के लोगों को देने का काम करती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा आया जिसको लेकर हमारे संगठन के महासचिव और हमारे सचिव और जितने भी मित्र लोग हैं, जितने भी सबसे इस झारखंड के शोषित छात्र जो हैं, बोला जाता है कि आदिवासियों को मसीहा है कौन? हेमंत सोरेन। दलितों का मसीहा कौन है? हेमंत सोरेन। तो दलितों को क्यों पीछा रखा गया? दलित नहीं, हरिजन भाई बंधु जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्यों पीछा किया गया? क्योंकि इनका जो सीधा मंशा है कि दलितों का सीट जनरल में ला दो और जनरल में ला के सारा सीट बेच दो, मेरा जो चुनावी फंडिंग है वो आते रहे। ये सरकार को इतना भी अक्ल नहीं है, इतना भी ये सरकार मंदबुद्ध है कि इनको ये भी पता नहीं है कि आरक्षण से देश चल रहा है, आरक्षण से संविधान चल रहा है, आरक्षण से हमारे राज्य में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी होती है, चाहे केंद्र में आरक्षण का पालन किया जाता है। अभी जो जो रेंजर का नियुक्ति आया है, उस नियुक्ति में एसटी को 26% दिया है, ईडब्ल्यूएस को 10% दिया है, जनरल को 40% दिया है, ओबीसी को 15% दिया है, लेकिन जो हरिजन भाई बंधु हैं, जो दलित हैं, जो आज शूद्र में आते हैं, इतना संघर्ष करके मेहनत करके इस समाज में एक पदाधिकारी बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इन लोगों को किस रूप में रखना चाहती है? जैसे आज दलितों को पीछे करने का काम सरकार कर रही है, उसी प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहनों को पीछे ढकेलने का काम करेगी। क्योंकि ये सरकार अपने नीति से नहीं चलती है, जो बाहरी के यहाँ के नीति निर्धारण करने के लिए जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है। आपने एसटी को 26% दिया, ओबीसी को दिया करीब 15%, आपने सबको आरक्षण दिया, तो क्या ये आरक्षण की एक क्या एक मतलब ये आरक्षण पाने लायक नहीं है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य में जिस प्रकार छात्रों को शोषण किया जाता है, जिस प्रकार छात्रों को दबाया जा रहा है। मैं बाइस्कोप की टीम से कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार छात्रों के लिए लगातार आवाज़ उठा के सरकार तक पहुंचाने का काम करें, इस मुद्दा को भी गंभीरता से आप लोग एकदम प्रखर रूप से रखने का प्रयास करिए। और मैं बता दूं, ये सरकार की स्थिति और परिस्थिति, उनकी मानसिकता इतनी मतलब गिरती जा रही है कि मतलब कि जैसे चुनाव होता है, वहाँ ओबीसी को, वहाँ एसटी को, वहाँ एससी को 12% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन हमारे इस राज्य में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, उनका हक मारा जा रहा है। सबसे पहले चीज़, इसमें बहुत प्रकार की त्रुटियाँ पाई गए। ये आनन फानन में सरकार नहीं बोलता है, बोल कि आनन फानन में जो भी कर लो, गलत सही हमको सिर्फ नियुक्ति देना है, चाहे नियुक्ति बाहरियों को दो, चाहे नियुक्ति पूरे भारतवर्ष को बुला को दो, लेकिन हमको नियुक्ति पत्र बांटना है। अभी हमारे महासचिव जी बताएंगे कि कैसे कैसे बाहरियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, ये अध्ययन भी किए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार सिर्फ आदिवासी और दलित के बोलती है कि हम दलितों का सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, लेकिन
गला रेतने का काम कर रही है, वो हरिजन भाई बंधु को जो लगातार उस गरीबी से, वो तपते वर्ग से आज इस यहाँ पर आए हैं और एक पदाधिकारी बनने का एक क्षमता रखते हैं, पदाधिकारी बनने का एक हौसला रखते हैं और सीना बुलंद करके संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हीं का गला काटने का काम सरकार कर रही है। तो इसको देखते हुए हम लोग ये मुद्दा में क्या क्या त्रुटि है हमारे महासचिव जी बताएंगे। इसमें बहुत सा त्रुटि है, आप महासचिव से प्रश्न करिए। इन दिनों राज्य में जो जो भी छात्र हैं, चाहे जेपीएससी के हैं हो या जेएसएससी के जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो भी इशू है, चाहे रिजल्ट का हो, नियुक्ति पत्र का हो, पूरा हो पाएगा? देखिए, आपने विधानसभा चुनाव की बात कही, विधानसभा चुनाव तो समय पर होगा ही क्योंकि वो राजनीतिक है और वो होना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार विधानसभा चुनाव होता है समय पे, उस प्रकार भी झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हैं जितना भी एग्ज़ाम होता है जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा, वो भी समय पर हो। अभी हम लोग कल गए थे नेता प्रतिपक्ष के मिलने अमर बौरी से, और आज मिले हैं सुबह सुबह बाबूलाल मरांडी जी से, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग अभी निकला हुआ है झारखंड में रेंजर वन संरक्षक सहायक का वैकेंसी। इस वैकेंसी के लाने के लिए भी हमारे संगठन ने प्रयास किया और ये आया, लेकिन इससे में बहुत सारी त्रुटियां हैं। त्रुटियां ये है, पहला कि इसमें क्षेत्रीय भाषा का जोड़ा नहीं गया है, जो मेंस में जेपीएससी मैंने कि क्षेत्रीय भाषा इसमें जोड़ा नहीं गया है। दूसरा ये है कि इसमें आज 24 साल के बाद ये वैकेंसी आई है झारखंड बनने के बाद, तो इसमें कम से कम भी छात्रों को 5 साल का उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। तीसरा है इसमें कि सबसे बड़ा जो संविधान का हनन है वो है आरक्षण की मामला। यहाँ पर 170 सीट कुल है इसमें, जिसमें एससी शेड्यूल कास्ट को एक सीट मिला है। अगर उसका देखा जाए सही से संविधान प्रावधान के अनुसार में, तो उसमें उसको 12% के हिसाब से 19 सीट बनता है। तो इस प्रकार ये संविधान का हनन किया है। और इसमें एक और है इस वैकेंसी में कि इंजीनियरिंग का जो छात्र हैं उसको सिर्फ केमिकल, ये मैकेनिकल सिविल दिया है, केमिकल दिया है, बाकी वर्क कहाँ गया? ये झारखंड से जितने भी सटे हुए राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या हमारा यूपीएससी, रेंजर का जो भी बहाली लेता है कोई भी स्टेट, तो उसमें मैंने वही यूपीएससी आईएफएस लेता है, लेकिन जितना भी स्टेट है वो रेंजर का जो एग्ज़ाम लेता है, यही एग्ज़ाम परीक्षा, तो उसमें लिखता है कि किसी भी सब्जेक्ट से आप इंजीनियरिंग किए हुए हों, वैसे छात्र सभी फॉर्म भरने के लिए आप अवेलेबल हैं। ये सरकार ऐसा नहीं की है, सरकार का साफ मंशा है कि इसमें, और जिसको सिलेबस है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सिलेबस को बिल्कुल बाहर के सिलेबस को जोड़ दिया है इसमें। इसमें झारखंड, कहने मतलब है कि झारखंड का जो संपदा है, जल जंगल जमीन, आप उसका यहाँ का जो संस्कृति है, अगर यहाँ का जो भी छात्र है अगर झारखंडी है तो उसको संस्कृति जानते होंगे, लेकिन जो बाहर से आएंगे उसको यहाँ की झारखंड का जल जंगल जमीन और संस्कृति से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है, जिससे वो काम नहीं कर पाता है। तो सरकार जो वैकेंसी लाई है उसके लिए धन्यवाद है उनका कि आप 24 साल में लाए हैं, लेकिन आप झारखंड के छात्रों के हितों को देखते हुए इस वैकेंसी में अब फिर से जितनी त्रुटियाँ हैं उसको समाप्त करके और नए तरीके से सबको भरवाएं और झारखंड के छात्रों को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करें। आप इसमें झारखंड को जोड़िए और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा को जोड़िए, तो झारखंड के छात्रों को लाभ होगा। अच्छा, आप जन कैंडिडेट के नाते क्या लग रहा है कि शोषित पिछड़े और दलितों को मतलब दरकिनार किया जा रहा है एक साजिशन के तहत? पिछले 23 साल से तो मुझे ये अनुभव नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे फील हो रही है कि हाँ, हम एक हरिजन हैं और हमको दरकिनार किया जा रहा है। मैं इसका सबसे पहले मैं दोष ठहराना चाह रहा हूँ जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। वो अगर ये उसको अगर उनका संज्ञान में है, अगर वो जान के गलती किया है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का जेपीएससी के द्वारा साजिश है, पहली बात। और अगर वो जान के नहीं किया है, अगर उनसे गलती हुआ है, तो उनको जेपीसी में जितने सारे पदाधिकारी लोग हैं उसको 170 में 10% 12% निकालना नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं करना आता। अगर कैलकुलेशन करना आता तो एक नहीं देता। ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये में हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर 12% होती है तो 19 सीट हो रही है, कहाँ गया मेरा सीट, कहाँ गया?
ये तो आप जानबूझ के मतलब एक प्रयोग कर रहे हैं कि अगर हम आज एससी का सीट कम कर दिए, अगर एससी वाला कुछ नहीं बोलते, हरिजन वाले कुछ सामने नहीं आते हैं, कुछ प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर अगला बार आएगा एसटी का, उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या एक आरक्षण ख़त्म करने का ये प्लानिंग किया जा रहा है या जानबूझ के किया जा रहा है या अनजाने में किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये 24 साल बाद पहली बार झारखंड में वन अधिकारी जो आया है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का एकदम दरकिनार किया गया है। यहाँ पे चपरासी से लेकर जेपीएससी तक जितनी एग्ज़ाम होती है सब में क्षेत्रीय भाषा कंपलसरी है, लेकिन इसमें नहीं। ऐसा क्यों? आप जो है सिर्फ आप 550 का आप मेंस का बात कर रहे हैं कि मेंस में जीएस में सिर्फ 100 नंबर है और ऑप्शनल पेपर रख दिए हैं, ऑप्शनल में 200-400, इंटरव्यू में 50। तो जो ऑप्शनल पेपर रखे हैं, झारखंड का मैक्सिमम बच्चा जो सरकारी स्कूल से हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का अर्थ नहीं जानते हैं। और ऑप्शनल ये जो सब्जेक्ट होती है ना, दिल्ली में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, यूपी में जाइए, ये लोग 10 साल से खाली ऑप्शनल ही पढ़ता है यूपीएससी देने के लिए। और यहाँ अगर ऑप्शनल पेपर में अगर मेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है, झारखंड का एक भी बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। तो ये क्या मनसा, मतलब कि झारखंडियों को एकदम मतलब इस वैकेंसी से दूर किया जाए। तीसरी बात मेरा ये कहना के उद्देश्य है कि आप क्षेत्रीय भाषा को अब नहीं शामिल किए गए हैं, तो यहाँ झारखंडी भाषा नहीं शामिल होंगे। और आप तो ये पदाधिकारी को चयन कर ले किस लिए कि हमारा जो आप हमेशा कोई भी सरकार हो, वो जल जंगल जमीन की रक्षा करने का ये उसका नारा रहता है। तो जल जंगल जमीन का रक्षा कौन करेगा? यही लोग करेगा, जो वन परमंडल अधिकारी होता है, जो वन सहायक अधिकारी लोग होता है, उसको ना पता है कि हमको जंगल की रक्षा कैसे करनी है। तो हम झारखंडी, हमको अच्छी तरह से पता है कि सारंडा में क्या क्या जानवर पाया जाता है, उस जानवरों में क्या क्या तकलीफ होती है हमको पता है, परसनाथ पहाड़ में मुझे क्या पाया जाता है, जितनी झारखंड में जितने वन परमंडल, जितनी यहाँ की संपदा, खनिज संपदा, हमें बहुत अच्छी तरह पता है। अगर हम यहाँ पे चयनित होकर आते हैं तो हम अच्छे से सुरक्षा कर पाएंगे। ये मेरा घर है, अब मेरा घर में बाहरी वाला आकर सुरक्षा करेंगे? सिंपल सी बात है, मेरा घर में बाहरी वाला आकर सुरक्षा करेंगे? आप बोलेंगे ये कैसा अनैतिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं अनैतिक बात कर रहे हैं। क्यों? अगर आप झारखंड के हित में बात करते हैं तो मेंस में ये जो जेपीएससी में 150 जो नंबर रहता है वो नंबर आप रखते हैं, क्षेत्रीय भाषा मुंडारी हो, उरा हो, खट्ठा हो, नागपुरी हो, पंचपुरी, कहाँ गायब कर देंगे। ये एक प्लानिंग, हम ये कहना चाहेंगे जेपीएससी के तहत अगर ये एक प्लानिंग है, अगर प्लानिंग बना के अगर ये कर रहा है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी आने वाले चुनाव है उससे उनको बदनाम करने की साजिश है। और अगर ये साजिश नहीं है तो फिर उनके अधिकारियों को 170 में 10-12% निकालना नहीं आता है, और ऐसे अधिकारियों को सजाए मौत देना चाहिए मौत, जो 170% तुम परसेंटेज नहीं निकालने आते हो और झारखंड का एक सर्वोच्च संस्था का एक अधिकारी बने हुए हो, और तुम क्या मेरे झारखंड का भला ही करोगे? एक भी इसका अंदर तुम पूरा तुम्हारा मनसा जाहिर है कि यहाँ का एक भी क्षेत्रीय आदमी को यहाँ शामिल नहीं करेंगे, हम अधिकारी बनेंगे और इस पर शोषित करेंगे, अंग्रेज जैसा जमाना हम राज करेंगे। जेटेट 2024 का जो फॉर्म निकला है उसमें अपेयरिंग वालों को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जा रहा, चूँकि ये 2016 से अभी 2024 में निकला, 8 साल के बाद ये फॉर्म निकला है, और इसमें 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि सीटेट में सबको अपेयरिंग वालों को मौका देता है, और एक अभी उत्तराखंड का निकला है टेट, उसमें भी अपेयरिंग को मौका दिया गया है, नोटिफिकेशन हम पढ़े, क्योंकि झारखंड सरकार इसमें अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दे रहा है, तो ये गलत है। इसमें जिसका 24-26 सेशन है, 23-25 सेशन है, वो लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो सुना आपने, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं लगातार छात्रों के हित में कार्य कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छात्र हित में फैसले लिए जाएँ, छात्र लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दे के रूप में छात्र का ये जो मुद्दा गूंजता है, लेकिन छात्र हित में फैसले कब लिए जाएंगे यह देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 24 स्कोप, रांची।